आप सब लोग का अभिनंदन कहता हूँ। आज हमारे बीच हमारे मेहमान खुशी जनाब आबिद हुसैन साहब एडिशनल कमिश्नर कश्मीर मौजूद हैं, उनके साथ अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे बीच इस प्रोग्राम में आए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपको ब्रीफली बता दूँ और हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ। जितनी पॉलिसीज हैं उनकी अवेयरनेस हो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च 2021 से लेके अगस्त 2023 यानी इस साल अगस्त तक हम लोग To officially present welcome address, I would like to call here Mr. Shahid Muhammad Dosh. Additional कुछ relaxations दी गई हैं। तो इसी तरह पीएम ने हमारी नेशनल एजुकेशन जो गवर्नमेंट जो इंडिया की प्रोग्रेस है, हमारे जो लोगों का डेवलपमेंट है वो एट पार हो जाए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो सबसे फिटनेस है उसका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि जब तक किसी प्रोग्राम के बारे में किसी स्कीम के बारे में लोगों को पता ना हो या जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज होते हैं उनको उनकी जानकारी न हो, तो उस स्कीम का कामयाब होना या उस स्कीम का जो बेनिफिट है वो सही जगह पहुंचना नामुमकिन है। तो अवेयरनेस के तौर पर गवर्नमेंट का एक आज का जो दो रोज़ा प्रोग्राम इनाग्रेट हुआ है अभी कोटीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल में, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम पूरे इंडिया में और पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। बेसिकली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मकसद है वो कि लोगों को जो फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो वेलफेयर स्कीम्स लोगों के लिए लॉन्च की गई हैं, तो उनकी जानकारी दी जाए लोगों को ताकि वो उस स्कीम का बेनिफिट सही से लें और जो एक जानकारी के एब्सेंस में जो एक वो मिडल मैन कल्चर हो जाता है वो ख़त्म हो जाए। प्रोग्राम दो दिन यहाँ पे श्रीनगर में चलेगा और इसमें हमने बेसिकली दो कंपोनेंट्स रखे हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पे हमने एक फ़ोटो एग्जीबिशन लगाई हुई है जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को डिस्प्ले किया गया है अलग अलग फ़ोटो पैनल्स के थ्रू। तो और बच्चों के लिए बहुत बहुत ही मुफीद है ये। अगर मैं गुजारिश करूँगा सभी लोगों से कि अपने बच्चों को लाए यहाँ पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो इसमें फ्री एंट्री लेके इसमें एग्जीबिशन को विज़िट कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो कंपोनेंट है जो मैंने अवेयरनेस की बात की, वो एक जो स्कीम्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे हेल्थ में हो, स्किल डेवलपमेंट में हो, एग्रीकल्चर में हो, या जो हमारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट स्कीम्स हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी देते हैं, अलग अलग तरीक़ों से देते हैं। इसमें हम जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से हमने एक्सपर्ट नोडल अफसर्स को बुलाया है जो इन स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दें और कहाँ ये स्कीम अवेल करनी है, किस तरह से अवेल करनी है और कौन कौन एलिजिबल हैं, इस तरीके की जानकारी उनको दी जाएगी। और एक और तरीके से हम ये स्कीम की जानकारी जो है लोगों तक पहुँचाने में एक प्रिंटेड पब्लिसिटी मटेरियल हमने प्रिपेयर किया हुआ है, वो हम लोगों को बांटते हैं। तो उसमें जो गाइडलाइंस है या जो स्टेप्स हैं स्कीम को अवेल करने के लिए वो उनको दिया जा रहा है। थैंक यू।